saiyo. तुम जिस राह पर जा रही हो उसमें सिर्फ दंड मिलेगा, कांटों के कोड़े पड़ेंगे और तुम कल्पना भी नहीं कर सकोगी कि वो कितना दर्दनाक और दुखदाई होगा। सुनंदा, सुनंदा, काकी, 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 काकी संभालिए, आइए। आपकी पत्नी की तबीयत खराब हो रही है, क्या देख नहीं पा रहे हैं आप? हाँ, वो बात बात पर बीमार पड़ जाती है। या फिर आपके द्वारा कही हुई बातें ही उनकी बीमारी की वजह है। मैं जानता हूँ आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, उनका बहुत ध्यान रखते हैं, पर क्या अनजाने में आप वही गलती नहीं कर रहे हैं जो आपके बाबा ने की थी, और अंततः जिसके कारण आपकी आई की मृत्यु हो गई। रिश्तेदार नहीं फकीर, मेरे आई और बाबा के बारे में बोलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। क्या जानते हो तुम उनके बारे में? कुछ नहीं जानते। आपके बाबा ने आपसे क्या कहा था याद है? कि आपकी आई की मृत्यु सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि वो सारे कर्मकांड ठीक से नहीं करती थी, इसीलिए ईश्वर उनसे नाराज हो गया और उन्हें बीमार कर दिया, अंततः उनकी मृत्यु हो गई। आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, यही कारण है कि आप सारे कर्मकांड अपनी पत्नी से विधिवत कराने पर जोर देते आए हैं। ठीक कह रहा हूं ना मैं? हाँ, मैं अपने धर्म पत्नी सुनंदा से यह अपेक्षा करता हूं, लेकिन इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कर्मकांड के बारे में, कर्तव्यों के बारे में, धर्म के बारे में, और उसका मैंने गहन अध्ययन किया है, मगर ये बात तुम जैसा फकीर कभी नहीं समझेगा, ना ही इस गांव का कोई व्यक्ति समझ पाएगा, क्योंकि शिरडी का हर व्यक्ति धर्म भ्रष्ट हो चुका है, कर्तव्य भ्रष्ट हो चुका है। मुझे तो ये लगता है कि इस गांव में मैं आया ही क्यों? अब इस गांव में मैं एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। लाओ मेरा खिलौना मुझे वापस दो ताकि मैं यहां से चला जाऊं। लाओ। आई, मैं इस खिलौने को लेकर भोला के यहाँ जा रहा हूँ खेलने के लिए। जाओ। वाह, मैं दिन रात परिश्रम करके, प्रभु की सेवा करके एक एक पाई जोड़ रहा हूं ताकि हम काशी जा सकें, मगर तुम मेरी गाढ़ी कमाई के पैसों को व्यर्थ की चीजों में बर्बाद कर रही हो। क्या आवश्यकता थी ये खिलौने को लाने की? अभी कुछ दिन पहले एक खिलौना लेकर आई थी ना, आज एक और। वो सदाशिव सुबह से उदास बैठा था, उसे भोला के जैसे खिलौना चाहिए था, तो मैंने उसे लाके दे दिया। वैसे वो कहां किसी चीज के लिए हट करता है, बहुत समझदार है अपना बेटा। लेकिन उसकी आई समझदार नहीं है, बच्चा है, कुछ देर में खुद ठीक हो जाता। उसके लिए अनावश्यक पैसे बर्बाद करने की क्या आवश्यकता थी? हाँ, बच्चा है सदाशिव, लेकिन अब खिलौने से नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा? आपको तो केवल काशी यात्रा के लिए पैसे बचाने की चिंता रहती है, हमें तो अपने ही घर में अपने भरण पोषण के अतिरिक्त एक पैसा खर्च करने की अनुमति नहीं है,
मैं अपना मन मार सकती हूँ, लेकिन अपने बेटे का नहीं। मेरी नहीं तो कम से कम अपने बेटे सदाशिव की तो सोचिए। आप उससे उसका बचपन कैसे छीन सकते हैं? इति, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम सर पर चढ़ोगी। ये मत भूलो कि तुम मेरी पत्नी हो और मेरे आदेशों का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है, अन्यथा तुम्हें नरकवास होगा। पंडित की पत्नी होकर पंडित के लिए काशी का महत्व नहीं पता तुम्हें? काशी में स्नान करके मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, स्वर्ग का द्वार खुलेगा मेरे लिए। वर्षों से मेरा ये सपना रहा है। अपने सपने को साकार करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, और मेरे सपने में कोई बाधा बने ये मुझे स्वीकार नहीं। घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये स्वस्थ हो जाएंगी, लेकिन इलाज के लिए इन्हें नगर ले जाना होगा और खर्चा भी ज्यादा होगा। में ये सारे पैसे चले गए तो काशी कैसे जा पाऊंगा? भगवान की कृपा होगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी सदाशिव की आई। वैसे भी औरत के शरीर में बहुत जान होती है। मत रो सदाशिव, चुप हो जा। बाबा, भगवान ने मेरी आई को मुझसे क्यों छीन लिया? भगवान इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। नहीं बेटा, ईश्वर सबके साथ अच्छा करते हैं। ईश्वर ने फिर मेरी आई को मुझसे क्यों छीना? आज मेरी एक बात गांठ बांध के रख ले सदाशिव। ईश्वर हमें वही देता है जिसके हम अधिकारी हैं। तेरी आई से पाप हुआ था। वो शास्त्रों के अनुसार कर्मकांड नहीं करती थी ना, संस्कारों का पालन उतनी निष्ठा के साथ नहीं करती थी जितना करना चाहिए, जिसके कारण इतनी कम उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। जो व्यक्ति शास्त्रों में लिखे नियमों का पालन करते हैं वो पुण्य अर्जित करते हैं, वो पुण्यवान बनते हैं और भगवान उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु बनाते हैं। Ah!
बाबा बाबा काढ़ा पी लीजिए। बाबा मेरी बात मानिए, आप काढ़ा पीजिए। सदाशिव सदाशिव, सपना रह गया कि मैं स्वयं काशी जाकर मोक्ष प्राप्त कर सकूं। जो चूक मुझसे हुई तुझसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है बाबा, आप काढ़ा पी लीजिए। सदाशिव तुझे काशी जाना है, तुझे तुझे मोक्ष प्राप्ति की साधना करनी है। हाँ 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 सदाशिव, मेरी मेरी अस्थियों को काशी में ही विसर्जित करना, ताकि तुम्हारे साथ मुझे भी मुक्ति मिल जाए। ये यही मेरी अंतिम इच्छा है। मैं काशी जाऊंगा बाबा, जाऊंगा मैं। की मृत्यु के पहले की उनसे जुड़ी हुई सारी बातें मैं नहीं जानता था। बाबा की उपेक्षा के कारण इतनी कम आयु में मेरी आई की मृत्यु हो गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। इतना सब कुछ घट गया और बाबा ने मुझे सच्चाई की भनक तक नहीं लगने दी। इतना विश्वास करता था मैं अपने बाबा पर, मैं अपनी आई की सहायता तक नहीं कर पाया। ईश्वर मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। आई 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 आई, आई मुझे क्षमा कर दो, क्षमा करो आई। आप क्यों चली गई? आपने कहा था आप मेरे साथ रहोगी, क्यों गई? सदाशिव जी, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एक आज्ञाकारी बेटे की तरह आपने वही किया जो आपके बाबा ने कहा। आपके बाबा ने धर्म की, शास्त्र की जो व्याख्या आपके सामने की, उसने बहुत गहरा प्रभाव, बहुत गहरा असर छोड़ा आप पर। आपके मन में एक भय सा बैठा दिया और आप उन सभी लोगों के लिए कठोर हो गए जो आपके मतानुसार शास्त्रोक्त व्यवहार नहीं कर रहे थे। जिसमें आपकी पत्नी भी शामिल थी। क्या आपको कुछ याद है? क्या आपने कभी महसूस किया कि जब जब आपके बाबा गुस्सा करते थे तब तब आपकी आई का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता था? क्या आप भी उन्हीं के पदचिन्हों पर नहीं चल रहे हैं? क्या आपको कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जब आप गुस्सा करते हैं आपकी पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है? शादी से पहले ये पूरी तरह स्वस्थ थी, पर शादी के बाद से इनकी तबीयत दिनों दिन बिगड़ती रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप हर समय इन्हें डांटते रहते हैं, कोसते रहते हैं। इनका आत्मविश्वास गिरता जा रहा है, इन्हें खुद पर भी विश्वास नहीं रह गया है। ठीक आपकी आई की तरह। पर फिर भी आप देख नहीं पाए। और सबसे दुख की बात यह है कि जब आपकी पत्नी आत्मग्लानी में खुली जा रही थी, बीमार हो रही थी, तब आप और भी अधिक आश्वस्त होते जा रहे थे कि वो कर्म कांड का सही से पालन नहीं कर रही है, इसलिए बीमार हो रही है। आप उसके लिए और अधिक कठोर हो गए, उसे और अधिक परेशान करने लगे। सदाशिव जी, जब आपकी आई के साथ ऐसा हुआ तब आप ना समझते, बच्चे थे, इसलिए कुछ कर नहीं सके। पर अब आप समझदार हैं, ना समझ नहीं है। और सच तो ये है कि आपका कठोर रवैया
आपका बुरा व्यवहार आपकी पत्नी को बीमार कर रहा है, उन्हें अंदर से खोखला करता जा रहा है। मैं जानता हूं कि आपको अपनी पत्नी के स्वास्थ्य की बहुत चिंता रहती है, और अगर वो बीमार हो जाती हैं तो आप उनकी बहुत देखभाल भी करते हैं, पर भगवान ना करे अगर आपकी पत्नी के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ जैसा आपकी आई के साथ हुआ था, तो आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपना गांव छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर शिरडी इसलिए आए थे ताकि उनकी सेहत में कुछ सुधार हो, आप काशी जा सकें, कुछ पैसे इकट्ठे कर सकें। आपका उद्देश्य भी ठीक था, पर ऐसा हुआ नहीं। यहां आकर इनका स्वास्थ्य और बिगड़ गया है। अपने पूरे जीवन काल में इस तरह का अपमान सहने की परिस्थिति कभी नहीं आई थी जो आज तुम्हारी वजह से आई है। उस दिन मंदिर में भोग कम पड़ जाने के कारण आपने अपनी पत्नी को दोषी ठहराया, जबकि सच तो यह है कि दोषी आप थे। मंदिर में मौजूद आप थे, इसलिए भक्तों की संख्या का अनुमान लगाना यह आपकी जिम्मेदारी थी, पर अपनी गलती अपना दोष स्वीकार करने के बजाय आप अपनी पत्नी से नाराज होकर उन्हें डांटने भटकारने लगे, और उस दिन आपने अपनी पत्नी को इतना डांटा कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, और यमुना को मजबूरी में उन्हें यहां लेकर आना पड़ा। यमुना एक छोटी बच्ची, उसे भी इस बात का एहसास था कि उसकी काकी की तबीयत बिगड़ने की मुख्य वजह आपका गुस्सा है। वो समझ सकी इस बात को, पर आप नहीं समझ सके, और यही वजह थी कि यमुना ने आपसे सच छुपाया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी प्यारी काकी को काका के क्रोध का सामना करना पड़े। सदाशिव जी, अपने कार्य के प्रति समर्पित होना, निष्ठा रखना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी बात को फितूर बना लेना, क्या ये ठीक है? अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इतना समर्पित होना ठीक है? क्या यह ठीक है कि जैसे आपने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था कि आपको काशी जाना है, वहां जाकर ज्ञान अर्जित करना है अपने बाबा की तरह, और अपने लक्ष्य को पाने की लालसा में अपनी पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार करने लगे? एक बात बताइए मुझे, अगर आपने अपने प्रियजनों को खो दिया, अपने परिजनों को खो दिया, तो क्या लाभ होगा काशी जाकर? कैसा मोक्ष चाहते हैं आप? आपका परिवार, आपके प्रियजन आपसे दूर हो जाएं, ऐसा मोक्ष चाहते हैं आप? उस दिन आप ही मंदिर में कह रहे थे ना कि ईश्वर ने हम सबको अपनी छवि में बनाया है, और केवल इंसान ही क्या, इस पृथ्वी पर मौजूद हर वस्तु को, हर इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधों को, सभी को ईश्वर ने ही तो बनाया है, और उन सभी में अपना एक छोटा अंश डाला है। इसीलिए तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ईश्वर हमारे मन में वास करता है। अब खुद ही बताइए, अगर हम किसी का तिरस्कार करते हैं, तो क्या हम उसमें मौजूद
ईश्वर के उस अंश का तिरस्कार नहीं करते। शास्त्र तो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए है, और शास्त्र में लिखे शब्दों की, उसकी पंक्तियों की, शास्त्र के वाक्यांशों की व्याख्या तो कई तरीके से की जा सकती है, लेकिन हमें तो सिर्फ वो याद रखना है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है सभी के प्रति दयालुता का भाव रखना। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना, इसका अर्थ तो जानते ही हो। फलदार वृक्ष अपने फलों के भार से झुक जाता है, अर्थात गुणी व्यक्ति भी सदा विनम्र और दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता है। शुष्क काष्ठश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन, अर्थात सूखा हुआ पेड़ और मूर्ख व्यक्ति ये कभी झुक नहीं सकते, किसी के सहायक नहीं हो सकते, कभी विनम्र नहीं हो सकते। और आप तो ज्ञानी है ना, फिर आप ये कैसे भूल सकते हैं कि हर धर्म के मूल में आपसी भाईचारा, शांति और सद्भावना ही तो है।